अभी हम बाइक पे लगाने वाले हैं एक मोबाइल स्टैंड, चार्जिंग भी होती है लेकिन इसमें हम चार्जिंग वाला सिस्टम तो नहीं करेंगे, लेकिन आपको दिखाते हैं। देखो ये वाला मॉडल है, ऑनलाइन ये आपको 300-350 रुपए से लेकर 450 रुपए तक मिल जाएगा, फुल मेटल बॉडी का है। एक बार ये दिखाते हैं आपको कैसा है और इसको इंस्टॉल करके दिखाते हैं। मतलब अगर ज्यादा ड्राइविंग होती है बाइक पे और बार बार मोबाइल नहीं निकालना तो उस हिसाब से बढ़िया है। तो एक तो ये मैनुअल टाइप होगी कि किस तरीके से इंस्टॉल करना है वो निकलेगी इसके साथ में, और एक ये है पूरा मोबाइल स्टैंड। देखिए ये ऐसे पूरा का पूरा मेटल बॉडी है, ये लोहे का एक तरीके से, देखो ये कुछ ऐसा है। और ये इसमें जो है इसकी चार्जिंग केबल है, अभी हम तो नहीं लगाने वाले लेकिन आप अगर या तो कपलर हो तो कपलर से लगा सकते हो, नहीं तो इसको वायर को काट के यहाँ से और तो बैटरी का जो पॉजिटिव और नेगेटिव है उसमें इसको जोड़ सकते हो, और फिर जो ये वाला यूएसबी पॉइंट है इससे ये चार्जिंग हो जाएगी, यहाँ से खुलता है। वो सारी चीज़ें बाहर ले जाकर दिखाते हैं कि कैसे लगेगा इसके अंदर, आता क्या क्या है। ये लग जाएगा डायरेक्ट रोड के ऊपर जो उसकी होती है मेन वाली, अभी दिखाते हैं आपको। एक ये अगर जो साइड का जो शीशा होता है, ग्लास होता है, उस पे लगाना हो तो उसके लिए भी है, और बाकी ये टेप वगैरह है थोड़ा इसको सपोर्ट करने के लिए अच्छे से। एक ये एलन की है, इसका ये प्लस पॉइंट भी कह सकते हो कि इसको ऐसे ना पूरे को पेचकस से नहीं खोला जा सकता, और नॉर्मली ये किसी के पास ऐसे होते नहीं है, तो ये इससे ऐसे यूं इसमें आएगी, इसके साथ ही आती है और ये इससे ऐसे खुल जाएगा, ये जो नट है इसके अंदर। वहाँ पर चलते हैं, चलिए और लगा के देखते हैं इसको कि कैसे लगा सकते हैं। सिंपल सा ही है, आप खुद से कर सकते हो इसको इस तरीके से इसमें इंस्टॉल। तो आप इसको यहाँ लगा सकते हैं, यहाँ लगा सकते हैं, हम इसको यहाँ लगाने वाले हैं ताकि थोड़ा सा ये अंदर की साइड ही रहे, और इंस्टॉल करते हैं अगर आपके सामने। सबसे पहले तो इसको एलन की से ही खुलेगा और एलन की से ही बंद होगा। ये प्लस पॉइंट भी है कि भाई ऐसा नहीं है कि कोई भी इसको बाहर से निकाल के ले जाए, मतलब अगर गाड़ी बाइक बाहर भी खड़ी रहती है तो भी कोई इतना बड़ा मैटर है नहीं है, एलन की उठा के रख दो तो नहीं खुलेगा, जिसके पास ये होगी वही खोल सकता है मतलब। अब ये इसमें दो नट निकले हैं एलन की वाले, और हम इसको इधर इंस्टॉल कर देते हैं कुछ यहाँ पे, ताकि अंदर ही रहेगा ये बाइक के ना, फिर ज़्यादा ये ऐसा नहीं है कि बाहर दिखेगा, कुछ इस तरीके से ये इस पर आ जाएगा, और जो एक हिस्सा है इसका एक नीचे की साइड से आएगा। जिस जगह पे हमने ना उसको लगाना है वो पोजीशन देख के, और ऐसे रबड़ या टेप जो भी लगानी है आपने ये लगा लो पहले, ताकि ग्रिप अच्छी बने, वरना वो हिलता रहेगा, कुछ इस तरीके से लग जाएगी। ये इसमें ऐसे लगा दिया है, देखो ये ऊपर से नीचे से दिखाई अगर दे रहा हो तो, हाँ ये वाला हो गया, और ये वाले जो नट हैं इसमें ये इसमें आ जाएंगे अभी। तो कुछ इस तरीके से इसमें एलन की से हम नट टाइट कर रहे हैं, थोड़ा टेढ़ा रख रहे हैं इसको क्योंकि उस साइड में खुलेगा तो उसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी, और एलन की से आप इसको कहीं पर भी टाइट कर सकते हैं क्योंकि छोटा बड़ा हिस्सा दोनों होते हैं इसमें। कुछ इस तरीके से आराम से इसमें पूरा स्पेस है देखो टाइट करने के लिए ना, और ना हो तो फिर उधर वाला हिस्से से कर सकते हो, छोटे वाला जो हिस्सा है इसमें। अब ये वाला सेम नंबर एलन की का जब होगा जब ये वापसी खुलेगा इसमें से, वरना ये ऐसे ही फिक्स रहेगा। तो भाई इसमें एक दिन पूरा निकल गया है, अगला दिन आ गया एक तरीके से, हमने इसको लगा दिया था रात में ही और अच्छे से टेस्ट भी कर लिया था कि ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये इसको लगाते हुए ना ये प्लास्टिक सा जो दिख रहा है नीचे की साइड में ये इसके साथ में आता है, ये लगाना पड़ेगा, और एलन की के जो नट हैं वो यहाँ पे टाइट हो गए हैं ये दो इसमें। वैसे नॉर्मली जो लगता है ये वो या तो लोग यहाँ लगाते हैं या तो इसको यहाँ पे लगाते हैं, तो फिर ये सीधा रहेगा। हमने जो इसको लगाया है वो अंदर की साइड लगाया है, और ये यहाँ से जो इसका नट आप साइड से देखें ना तो ये इससे ऐसे यहाँ से खुल जाएगा, और ध्यान रखा है कि इसमें मोबाइल ठीक से आ जाए, बस इतना ही स्पेस इसके अंदर ये छोड़ा है, पूरा मोबाइल इसमें ऐसे आ जाएगा। अभी लगा के दिखाते हैं आपको कुछ यूँ करके, इसमें चाहें तो आप यहाँ पे भी लगा सकते हैं, यहाँ पे भी लगा सकते हैं, थोड़ा यहाँ रहेगा, यहाँ लगाओगे तो सीधा रहेगा, बस यही है, यहाँ लग नहीं सकता क्योंकि नट टाइट होने की इसमें जगह नहीं थी। तो ये हो गया मोबाइल MI है समझ लो, तो हम इसको लगा रहे हैं अभी इसके अंदर जैसे, तो हम इसको इतना ही स्पेस दिया है इसके अंदर कि ये मोबाइल इसमें अच्छे से आ सके, ज़्यादा स्पेस नहीं है मतलब, ये इस तरीके से इसमें ये फंस गया कुछ यूँ, और फिर आप इसको थोड़ा सा टाइट कर दीजिए ताकि ये ऐसे ना निकले, ये पूरा टाइट हो गया इसमें आराम से, और अब आप जब चलेंगे बाइक पे तो ये कुछ ऐसे से आएगा यूं करके इसमें, तो थोड़ा सा ये टेढ़ा तो रहेगा इसमें। आप चाहें तो इसको यहाँ पे भी लगा सकते हैं, लेकिन हमने इसलिए लगाया क्योंकि ज़्यादा तो यूज़ होता नहीं है, तो बस यही है कि ये यहाँ रहेगा तो ऐसे कोई सीधा हाथ ना मार ले, यहाँ थोड़ा सेफ है, निकल भी नहीं सकता और एकदम परफेक्टली फिट है। तो कुछ इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी, आप इसको कहाँ लगाना चाहें, यहाँ लगा सकते हैं, यहाँ लगा सकते हैं, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, या फिर यहाँ पे, इन सारी में से किसी भी जगह पे आप लगा सकते हैं। हमें जैसे ठीक लगा कि यहाँ पे लगाना चाहिए तो यहाँ ये लग गया, यहाँ अगर लगाओगे तो इसको यूं भी रोटेट कर सकते हो, यहाँ अब ये ऐसा ही रहेगा खाली, तो यहाँ तो थोड़ा बहुत मैप वगैरह देखने के लिए लगा है तो इसलिए ये कुछ ऐसा है, और निकलेगा नहीं इस वाले जो नट है इस वाले को जो बाहर खींचेंगे तो ही ये निकलेगा, वैसे ही अच्छे से फिक्स हो गया ये इधर से और इधर से फंस गया है इसमें, तो मतलब कोई रिस्क कुछ नहीं है। और एक जो है एक और दिखाते हैं आपको एक चीज़, इसी के अंदर है ना एक निकली थी रबड़ कुछ ऐसे वाली, देखो ये हमने थोड़ा इसको लूज करके
और इसको ऐसे निकाल लेते हैं, ये निकल गया, वापस इसको टाइट कर देंगे। एक ये वाली रबड़ जो थी ना वो भी इसी के साथ आई थी, तो हमने इसको यहाँ टैंक में फंसा दिया। इसको भी आप इसी तरीके से इसमें यूज़ कर सकते हैं, कुछ यूँ करके इसको, जैसे ये रबड़ हो गई ना, तो रबड़ को इसको उठाया, और एमरजेंसी अगर यूज़ करना हो तो ये भी ठीक है कि इसको ऐसे सेंटर में इसके ऊपर डाल दिया, ये यूँ यहाँ पे भी रख सकते हैं, इसको यहाँ पे भी रख सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा रिस्की सा लगा क्योंकि ऐसे रुक नहीं रहा है ये खास ना, और यहाँ जो है ये परफेक्टली आ रहा है, तो यहाँ वाला जो है वो ज़्यादा बेटर है एमरजेंसी के लिए, आप यहाँ पे भी रख सकते हैं वैसे, लेकिन ये जो है ये ज़्यादा परफेक्ट है, मतलब इसमें कोई रिस्क नहीं है और क्वालिटी जो है वो बहुत बढ़िया है और बिल्कुल प्रॉपर इसी हिसाब से बना हुआ है, तो कुछ भी मैटर नहीं है, ये भी फुल टाइट होएगा यहाँ पे ऐसे, तो कुछ इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं और खुद से लगा सकते हैं, बहुत सिंपल है, मतलब कोई ज़्यादा ऐसा है नहीं है। और ये रही इसकी वायरिंग जो फिलहाल हमने इसकी यहीं पे ही छोड़ दी अभी, तो फिलहाल यहाँ पे कपलर लगा के लगा सकते हो बैटरी के साथ, वरना जो इसको काट के और रेड और ब्लैक जैसे वायरिंग बैटरी में होती है उसी तरीके से लग जाएगा। हम फिलहाल इसको नहीं लगा रहे हैं क्योंकि 100 cc की बाइक है और ज़्यादा इस पर ज़रूरत भी नहीं है चार्जिंग की, फिलहाल इसको यहीं अंदर इसमें फंसा रहे हैं, बाद में इसको हम देखेंगे जब भी लगाएंगे आपको दिखाएंगे वो भी उस टाइम पे। तो कुछ इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं अच्छे से, ये इसके अंदर हमने एक तरीके से इसको फंसा दिया और बड़े आराम से चाबी के लिए भी पूरी जगह रह गई है कि आप आराम से इसमें चाबी यूं करके कुछ लगा पाओ, ये कुछ ऐसे ऐसे यूं ऐसे ये पूरी खुल गई है मतलब। तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं बाइक वाले मोबाइल स्टैंड का, कार वाले मोबाइल स्टैंड तो फिर वो चिपकने वाले ही आते हैं। इसमें कई और भी डिज़ाइन है जिनके परचेज लिंक जो है वो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में जल्दी ही, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद।